एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में। और स्वागत करती है ये शिल्पा मेदी। स्वागत है एक न्यू डे पे, न्यू व्लॉग पे। सो मैं आ गई हूँ घर, ट्यूशन ख़त्म और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:40। और अभी मैं कमाखा से आके ट्यूशन करके घर पहुँच गई हूँ। एक्चुअली आज मेरा इवनिंग को ट्यूशन नहीं है, तो मैं पूरा दिन तो घर पर नहीं रहूँगी। अभी 9 बजे तक चली जाऊंगी, मैंने ऐसे सोचा है। सो एक बार घर आई तो मुझे लगा कि 2 मिनट बैठ ही जाती हूँ, उसके बाद जाऊंगी, ये सोच के अभी घर पे बैठी हुई, थोड़ी देर बाद जाऊंगी दी के घर। सो बने रहिएगा आज के ब्लॉग पे, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। अभी तक हमें भी नहीं पता आज का दिन कैसा जाएगा, जैसा भी जाएगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सो बने रहिएगा आज के ब्लॉग पे। मैंने बोला था कि मैं जाऊँगी 9 बजे, लेकिन 9:30 हो गए, क्योंकि मैं इधर उधर कर रही थी और टाइम कैसे दौड़ता है भागता है मुझे पता ही नहीं चलता है, तो हो गई मैं लेट। सो चलो अभी हम लोग लेट किया, मुझे तो कोई ऐसे टाइमिंग लेके जाना नहीं था, तो कोई नहीं बात नहीं, अभी हम लोग चलते हैं एक बार घर को इधर उधर से देखते हैं और फिर हम चलते हैं। सो चलो मैं जाती हूँ और फिर वहाँ पे जाके भी काम है बहुत सारे, करेंगे एक साथ। आप लोगों को नहीं दिखाती है ना, दिखाऊंगी दिखाऊंगी। चलो हम लोग चलते हैं। हेलो, आ गई हूँ मैं घर। मुंह धो लिया गया फर्स्ट, तो आज मुंह धो लिया क्योंकि नहीं तो लेट हो जाती हूँ और फिर ऐसे लेट करते 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 लेट ही रहती हूँ। ओहो इधर से कितनी अच्छी सी है वो लाइट आ रही है ना, मम्मी बना रही है हलवा, चाय के साथ खाऊंगी। हम लोग तो सब कुछ चाय के साथ ही खाते हैं। सो दिखाती हूँ मैं, ये देखिए मम्मी बना रही है हलवा, सूजी का हलवा, और उस तरफ बना रही है चाय। तो हम लोग अभी चाय पियेंगे एंड हलवा। सो गाइस एक बात बताती हूँ, जब भी मैं वीडियोस पे बात करती हूँ अगर कोई देखता है तो उसे मुँह पे ऐसे ही देखते रहते हैं। क्यों मैं बात नहीं कर सकती अपने ऑडियंस से? सो मम्मी खाना बोलती हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही है। तब तक मैं थोड़ा एडिट वगैरह कर लेती हूँ, देन उसके बाद मेरे को ढेर सारे काम करने हैं, तो तब तक एडिट कर ख़त्म कर लेती हूँ। हमारे इस घर के लोग निकल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हमें नहीं लेके जा रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए क्या देखते हैं ऐसे। मेरे इयररिंग पे देखिए दोरे डाल रहे हैं मेरे इयररिंग पे, और मेरा बेटा वो नहीं जाएगा, वो लोग सर्विसिंग के लिए जा रहे हैं, तो मेरा बेटा तो नहीं जाएगा, हमारे पास रुकेगा। ये सोच रहा है उसको भी लेके जाएगा, इसके लिए नहीं आ रहा है। लিপস্টিক দি দিছে এনেজি মতে নাহাই কারণ মই এই যাবি জঙ্গল গড় গড় মা হেসু দে আ হেসু আমার দল বেল লই দিয়া বেটি চালাক চালাক গাই চালাক চালাক দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ না যায় না লাগে যো মা হেসু माही
गए हैं दी जीजू और अभी मैं करूँगी अपना काम। आने के बाद ना काम नहीं की थी, बैठी हुई हूँ, इतना ज़्यादा नींद आ रहा है मुझे। अब छत्ती को उठी हूँ गाइस, तो फिर इसलिए आने के बाद मैंने सोचा कि चाय पी लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। चाय पिया उसके बाद दी लोग जाने के लिए रेडी हो गए, तो फिर काम नहीं किया, तो वो लोग भी चले गए हैं। और अभी तो काम करना ही है, काम वाम करके फ्री होंगी तभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने को मिलेगा। तो जल्दी से मैं कपड़े धोने जाती हूँ, एक्चुअली बहुत सारे कपड़े धोने हैं खुद के गाइस, खुद के। तो कपड़े वपड़े धो के फिर काम करके फिर आप लोगों से मिलूँगी। नहा के आ चुकी थी और उसके बाद बेतू को भी नहलाया वहलाया बहुत सब कुछ किया। और अब भी जाके 2:20 हो रहा है, खाना खाने के लिए आई हूँ। पहले मैं खाऊंगी क्योंकि दी ये चीज अभी तक आए नहीं है, तो फिर उन लोगों को थोड़ी देर होगी, तो फिर पहले मैं खा लेती हूँ। मम्मी ने मुझे दे दिया है और फिर मम्मी खाएगी, मैं बेतू को लूँगी, ऐसे बारी बारी करके खाऊँगी। खाने में बना है आलू गोभी एंड फिश, फिश करी मतलब। तो कहते हैं भगवान ने मिलाया है तो आपको खा लेना चाहिए, वो उसी को मैं भी मान रही हूँ और खा लेती हूँ खाना। उसके बाद कमर में दर्द हो गया गाइस, कपड़े धोते रहते, तो खाना खाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। हेलो 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 गाइस, हमारे घर पे कपड़े आप कितने देखना चाहोगे, इधर उधर आगे पीछे कपड़े ही कपड़े हैं, बैठने की जगह पे भी कपड़े ही कपड़े हैं। इतने सारे कपड़े, एक्चुअली आज हम लोगों ने ढेर सारे कपड़े धोए हैं। एक बार दीदी बाइडो बोल रही थी, दीदी धो के गई, उसके बाद फिर मैं धोई, जिसके वजह से अभी ना मुझे फुल बॉडी पेन हो रहा है, पता है आई डोंट नो क्यों, आज ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो इसके लिए चाय बोले खाना खाने के बाद सोने की प्लानिंग की थी, कहाँ सोने को मिलेगा, सोने की सोची ही थी, लेकिन फिर मम्मी ने मैं बेतू ली और फिर मम्मी खाना खाने गई, फिर बेतू को मैंने सुलाने का ट्राई किया, वो क्या ना, वो भी बदमाश गोदी में सोता है और बिस्तर पे रखने से उठ के रोता है, मतलब गोदी में सो रहा है तो बिस्तर पे भी सोना चाहिए, नहीं सोता तो फिर क्या करे, वही करते करते बहुत देर हो गया। फिर बिस्तर पे गई, आधा घंटा हुआ भी नहीं था शायद, बिस्तर पे जाने के बाद ही बेतू फिर उठ गया, फिर मम्मी लेके बैठी हुई थी, साउंड कर रहे थे बाहर के बच्चे अभी भी देखिए सुन रहे हैं, साउंड करते रहते हैं। सो यही सब चला, फिर दीदी फोन की कि ये करो हम लोग आ रहे हैं खाना खाना है, फिर वो की खाना खाने के लिए, फिर वो करने के बाद दीदी लोग आए खाना खाए, फिर हमारे लिए वो एक पराठा लाए थे, मैं वो खाई। और फिलहाल मैं एडिट करने के लिए आई हूँ और फिर सोचा कि आप लोगों के साथ अब आप लोगों को अपडेट भी कर दूँ। सो अभी इतने सारे कैकू मैं मुँह के बीच में मैं एडिट करने आई हूँ, होप सो मैं एडिट ख़त्म कर सकूँ, फिंगर क्रॉस, हर चीज़ के लिए फिंगर क्रॉस करना करने का दिन आ गया है। सो चलिए बने रहिए आज के ब्लॉग पे, एडिट कर लेती हूँ गाइस। इवनिंग टी हमारा हमारी मम्मी बना के रख दी है और जीजू लाए हैं पेस्ट्री, तो हम लोग जीजी लाए हैं पेस्ट्री, सो अभी हम लोग खाएंगे चाय और पेस्ट्री।
मम्मी और मैं एक पेस्ट्री से डिवाइड करके खा रहे थे। मेरी मम्मी बाकी चीज़ खाने के लिए बोलते हैं ना, बोलती है मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग खा लो। अभी मैं पूछी आप तो पेस्ट्री नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाऊंगी करके आ गई। फिर मेरे से हिस्से का भी गाइस खा लिया। ऐसे मैं पलक झपकती हूँ और मम्मी एक चम्मच ले के जाती है। ऐसा भी कोई करता है बोलो? इसलिए अब मैंने आँख बंद ही नहीं किया, एक बार ही के लिए भी नहीं किया। ऐसी ही हूँ मैं, जो आप लोगों का हो रहा था। मेरी दीदी बोल रही इन दोनों का कारगिल का लड़ाई देखो। रात के खाना बनाने का वक्त हो गया है और आज का कुक है मेरी दीदी। सो दीदी बनाएगी आज मीट। तो जीजू ये मीट लेके आए हैं और फिर यहाँ पे ये मसाले पूरे रेडी करके रखी है दीदी। मुझे तो नाम भी नहीं पता इनमें से, आधे आधे पता है लेकिन पूरा एकदम अच्छे से नहीं पता कि कौन सी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। सो फिर ये सब दीदी ने रेडी कर लिया और फिर दीदी बना भी ली। मैंने तो आप लोगों को दिखाया भी नहीं था, तो ये अभी हुशल मारेगी। तो इधर तक तो मैंने आप लोगों को इतना सही दिखा सके और उसके बाद मैं चली अभी खेल ले। गाइस खाना रेडी, फिर हम भी रेडी, बिस्तर रेडी, सब कुछ रेडी। अभी खाना खाएंगे देन हम लोग। मेरे जीजू कुछ दिखा रहे हैं, मैं दिखाती गाइस नहीं दिखाती, चलो दिखाना चाहती थी नहीं दिखाती है। ये लोग मेरे शादी करवा के ही छोड़ेंगे, क्या क्या बोलते रहते हैं। सो अभी आप लोगों को भी मीट दिखाती हूँ। मुझे एनी टाइम गाइस ऐसे बातें सुनाते रहते हैं, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ जो मेरी शादी के बारे में ये लोग ऐसे इधर उधर घूमती हूँ तब भी बातें सुनाते रहते हैं। हम खाना खाते हैं और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और हम मिलेंगे कल ठीक 7:30 बजे। आप लोग आ जाइएगा, मैं भी आ जाऊंगी। बाय बाय गाइस।